हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रे आर्मर में। तो मार्वल ने अपनी तरफ से इटर्नल्स का सेकंड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, और इस ट्रेलर के अंदर में सच में पिछले ट्रेलर से जितनी उतनी सारी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जो नई डिटेल्स इसमें सामने आई है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये ट्रेलर विजुअली बहुत ज़्यादा स्टनिंग था, और इसके अंदर में डिटेल्स जितनी थी उससे कई ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। बहुत कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस और बहुत कमाल का CGI वर्क, जिसके कारण डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए, जिसके कारण ये ट्रेलर ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बन पाएगा। बट फिर भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स इसमें से निकल के आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हम लोगों को इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड बहुत सा इंपॉर्टेंट स्टफ इस ट्रेलर से पता चला है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और वीडियोस लाता रहता हूँ एकदम रेगुलरली। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तभी अपलोड कर देता हूँ, और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी हो गया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब बातें बहुत हो गई, बिना ही देरी के ट्रेलर ब्रेकडाउन और रिव्यू शुरू करते हैं। तो हम लोगों को ट्रेलर की शुरुआत में सबसे पहले एजैक या फिर सलमा हायक देखने को मिलती है, जो कि एक घोड़े पे जा रही है, एंड वो अपेरेंटली इकारिस की जो झोपड़ी है वहाँ पे जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इकारिस झोपड़ी में क्यों रह रहा है, क्या पता अंडरग्राउंड होगा। बट उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सलमा हायक है वो इकारिस से जाके कहती है दैट थानोस ने वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर दिया, और उसके बाद में यहाँ के लोगों ने उसे वापस भी ले आया, जिसके कारण एक सॉर्ट ऑफ बहुत हैवी एनर्जी जनरेट हुई, और इसी के कारण इटर्नल्स के बहुत बुरी तरीके से काम डल गए। क्योंकि इसी के अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ अर्थ के ऊपर आके लैंड की है, एंड उसके बाद में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होते हुए हमको दिखता है, जो कि अपेरेंटली उसी चीज़ ने किया है जो कि वहाँ पे लैंड हुई है थोड़ी देर पहले। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इकारिस पूछता है दैट हमारे पास में कितना टाइम है, और इसके ऊपर सलमा हायक आंसर देती है कि हमारे पास केवल और केवल 7 दिन है। इसके बाद में हम लोग कुछ इटर्नल्स को एक साथ में रिक्रूट हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो लोग एक बहुत ही बड़े फिगर के अराउंड बैठे हुए हैं, एंड अगर तुम थोड़ा फोकस करके देखोगे तो ये और इतना जो बड़ा फिगर है वो और कुछ नहीं, वो एक सेलेस्टियल है। एंड अगर तुम लोगों को सेलेस्टियल नहीं पता तो यार व्हाट शुड आई से, तुम्हें सेलेस्टियल के बारे में नहीं पता है? चलो ठीक है, तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सेलेस्टियल एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एंटिटी है जिसने अर्थ के ऊपर आके ह्यूमन बींग्स, डेवियंट्स और इटर्नल्स को बनाया था। ये तो एकदम शॉर्ट वाला एक्सप्लेनेशन था, अगर तुमको डिटेल में जानना है तो तुम जाके कॉमिक वर्स भैया की वीडियो देख सकते हो। और फिर उसके बाद में सर्सी ये कहती है दैट अर्थ पे जो इटर्नल्स है वो 7000 ईयर्स पहले आए थे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को डेवियंट से बचाने के लिए। और इसी के जस्ट बाद में हम लोग देखते हैं कि इकारिस जो है, जिसको हमने पिछले वाले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बहुत जलील किया था, हाँ बस ये ट्रेलर के एंड में थोड़ी ज़्यादा ही शेखी बघार रहे थे, तो मैं इनको याद दिला दूँ कि सर आप रेड वेडिंग को तक सरवाइव नहीं कर पाए थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरीके से अवेंजर्स को लीड करने वाले हैं? कैन यू प्लीज टेल मी। यार मेरे हिसाब से इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था, ये नियरली सुपरमैन जितना पावरफुल है। आई एम रियली वेरी सॉरी भैया, गलती हो गई मेरे से। खैर छोड़ो, ये बातों को साइड में रखते हैं, लेकिन एक जो बात ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि अगर हम लोग कॉमिक बुक्स का जो डेवियंट्स का लुक है उसे देखें, और यहाँ पे जो डेवियंट हम लोगों को देखने को मिलता है उसके लुक्स देखें, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्वल की क्रिएटिव टीम है उन्होंने डेवियंट्स के लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिए, एंड शायद यहाँ पे थानोस का डेवियंट सिंड्रोम वाली जो हम लोग फैन थ्योरी बना रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक नाइट जो है वो सर्सी से ये पूछ रहा है दैट हम लोगों ने अब तक जितनी भी बैटल्स हुई है हमने उनमें इंटरफेयर क्यों नहीं किया? अब तक जब थानोस ने हमला किया था और आधी पॉपुलेशन को इरेज कर दिया था, हमने उसे क्यों नहीं रोका? तो सर्सी इसका जवाब देती है कि हम लोगों ने तब इंटरफेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने कसम खाई थी कि अर्थ पे जब सिर्फ और सिर्फ डेवियंट्स खतरा बनेंगे तब हम अर्थ को बचाएंगे, बाकी किसी भी कैलामिटी से हम उनको नहीं बचाने वाले हैं। और इसके ऊपर ब्लैक नाइट कहता है कि हमने किसकी कसम खाई थी और हमने किसके कहने पर अब तक जंग नहीं लड़ी। और फिर उसके बाद में हम लोगों को सेलेस्टियल्स का फेस दिखाया जाता है, तो इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है दैट यहाँ पे सेलेस्टियल्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया और इटर्नल्स को रोकने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। वेल, ये खुद भी बहुत बड़े हैं।
और उसके बाद में हम लोग कई बहुत ही ज्यादा सिमिलर शॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि हम लोगों को प्रीवियस ट्रेलर्स में देखने को मिले थे, और बहुत से कमाल के और एकदम कूल से कूल सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में हम लोगों को इन्हीं सीन्स में पता चल जाता है दैट इस मूवी के मेन विलेंस यानी कि जो हम लोगों को इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ड्रॉप होते हुए दिखे थे अर्थ पे, वो और कोई नहीं डेवियंट्स ही थे, और इस मूवी के मेन विलेंस इस बार डेवियंट्स ही रहेंगे। एंड साथ ही हम लोगों को बहुत सारा कूल CGI वर्क भी देखने को मिलता है, एंड सारे कैरेक्टर्स के बहुत कमाल के शॉट्स भी। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली थी, इस ट्रेलर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिग नहीं कर पाए थे क्योंकि उतनी ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने ट्रेलर में नहीं दी है, पर जितनी दी है वो बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं इस ट्रेलर का रिव्यू। तो देखो, मेरा रिव्यू तो इस ट्रेलर की तरफ यही है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है मुझे, एंड पर्सनली मैं इस मूवी को थिएटर्स में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मूवी यार बहुत बढ़िया लग रही है, एंड ऑफकोर्स क्लोई ज़हाओ का जो डायरेक्टोरियल वर्क है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रीवियस ट्रेलर के सीन्स और इस वाले ट्रेलर के सीन्स को अगर हम देखें तो उनको देख के ये मूवी एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड फीलिंग दे रही है, जिसके कारण मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट तो बन जाती है। एंड साथ ही में इस ट्रेलर के अंदर में हम लोगों को जिस तरह के विजुअल इफेक्ट्स दिखाए गए थे, सही बता रहा हूँ, पिछला ट्रेलर जो था वो स्टोरी लाइन की तरफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिखा रहा था, एंड ये वाला ट्रेलर अपने विजुअल इफेक्ट्स को दिखा के हम लोगों को मूवी सेल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही ट्रेलर्स अपने अपने तरीके से अपनी मूवी को प्रमोट कर रहे थे, जिसके कारण एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, एंड मुझे पर्सनली ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही में मूवी का जो कंटेंट है वो थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि इसमें विलन जो है उनको जो डेवलपमेंट है वो अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही में जो पॉइंट्स मैंने रेज किए थे मेरे इस वाले वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में मैंने इस मूवी के कमर्शियल सक्सेस के बारे में डिस्कशन किया था, अगर नहीं देखा तो तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही में पिछले वाला ट्रेलर ब्रेकडाउन की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो दोनों वीडियोस तुम जाके देख सकते हो क्योंकि वो वाला जो ट्रेलर ब्रेकडाउन था उसमें मैंने बहुत सारे डिटेल्स डिस्कस किए थे। तो हाँ, जो मैंने कमर्शियल सक्सेस वाला वीडियो बनाया था इटर्नल्स मूवी पे, उसमें जो लास्ट पॉइंट था यानी कि विलन्स वाला, मतलब जो विलन्स के साथ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट रहता है एंड उनको उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, वो वाली बात यहाँ पे उतनी ज़्यादा सही मुझे नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी बेटर दिखाई जा रही है ट्रेलर के अंदर में, तो क्या पता ये वाली प्रॉब्लम तो मूवी के अंदर में सॉर्टेड आउट हो। बाकी की जो चीज़ है उनके कारण मार्वल की ये मूवी अच्छा खासा सक्सेस गेन कर सकती है। तो हाँ, अब जब मूवी आएगी तभी जाके हमको पता चलेगा कि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहेगा, वो कितना सक्सेसफुल होती है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही है। तो यार बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट जरूर बताना, तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा, तुम कितना एक्साइटेड हो इटर्नल्स मूवी के लिए। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसा कि मैंने अभी ट्रेलर रिव्यू में कह ही दिया है। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और उनको बताओ इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। एंड यार, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।